नमस्कार, आकिब सिवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग पिपराड़ी स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं। क्रम में हमारा आना पिपराड़ी स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले हमने जाना कि यहाँ के डॉक्टर साहब उपस्थित है या नहीं। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ के डॉक्टर साहब भी अभी मौजूद है, उनसे हमने बातचीत भी किया और खास करके वो उनसे आग्रह भी किया कि रात्रि के समय जो भी इमरजेंसी सेवा आती है तो खास करके आप उनको अटेंड करें। खास करके ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग पिपराड़ी स्वास्थ्य केंद्र पर है और रात्रि के ये 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं और किस तरीके की तस्वीरें जो निकल रही है। थोड़ा सा अंदर लेके हम चलेंगे, जैसा कि हम लोग मेन गेट पर है और मेन गेट से थोड़ा सा अंदर से जब ही इन करेंगे, जैसे ही ओपीडी सेवा है और आप देख सकते हैं। पहले तस्वीरें थोड़ी सी आपको हम दिखा दें, ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल की जो तस्वीर निकल रही है आप देख सकते हैं कि रात्रि का भी 8 बज रहा और 8 बजे हॉस्पिटल की जो तस्वीर जो निकल रही है आप देख लीजिए। एक डॉक्टर यहाँ पर जो है वो उपस्थित पाए गए हैं तमाम तस्वीरों के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, हम लगातार कोशिश में है कि हॉस्पिटल में जाकर रात्रि के समय कौन से डॉक्टर वहाँ उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते हैं, खास करके उनको दिखाना है। और खास करके इससे संबंधित जब हमने हॉस्पिटल को जब हम उपस्थित हुए तो वहां मालूम चला कि यहाँ एक डॉक्टर अभी भी उपस्थित है। तो जो तस्वीरें निकल रही है किस तरीके की है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत स्थल पर जाकर मालूम चल रही है। और अभी शीतलहर का भी समय चल रहा है, जो ठंड का यूं कह लीजिए प्रकोप, और कल नववर्ष है तो जितने भी हमारे दर्शक है खास करके उनको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम लोग पिपराड़ी स्वास्थ्य केंद्र पर है और उस समय की तस्वीरें जो निकल रही है, रात्रि के 8 बज रहे और 8 बजे इस समय हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल में अभी नाइट गार्ड में भी यहाँ पर एक रखा गया है जो भी मौजूद है, जो तस्वीरें है निकल रही है। आपका क्या नाम है? राजकुमार प्रसाद। राजकुमार जी है यहाँ पर मौजूद है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डॉक्टर भी उपस्थित है। खास करके हमारा ये सभी से आग्रह होता है कि जो भी लोग डॉक्टर है कि रात्रि सेवा में जो भी लोग आए यहाँ हॉस्पिटल पर, खास करके उनका जो आग्रह है उनका सुने, क्योंकि रात के इमरजेंसी सेवा आती है और उसको खास करके अटेन करने के लिए डॉक्टर साहब को ये खास करके नाइट ड्यूटी लगाया जाता है ना, और नाइट ड्यूटी में ही खास करके सबसे ज़्यादा परेशानी एक्सीडेंट का जो मामला है, और क्योंकि कल नववर्ष है तो इसको लेकर भी ज़्यादातर चांस रहता है कि नाइट ड्यूटी में लोगों की आने का संभावना रहता है। तो इस तमाम तस्वीरें जो लोग भी ड्यूटी में है, तो इस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? कुंती कुमारी, जीएनएम। जीएनएम है ये। आपका नाम? आपका? ममता देवी। तो तमाम तस्वीरें जो निकल रही है आप देख सकते हैं, सारे लोग उपस्थित हैं। एक डॉक्टर साहब भी अभी उपस्थित है, जब हम यहाँ स्थल पर पहुंचे तो एक डॉक्टर साहब अभी मौजूद थे। तो ये खास करके एक खुशी की बात कही जाती है कि रात्रि के समय अगर आपको हॉस्पिटल से जो आपके स्वास्थ्य केंद्र हो वहां से अगर अच्छी सेवा मिलती है तो ये खास करके बहुत अच्छी बात कही जाती है। तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ बने रहे।